गुड आफ्टरनून मैं जो है टॉपिक आप सबको पता है क्या करते हैं इस पर बात करने जा रहे हैं और स्पेशली बीसीए लिखा स्पेसिफाई करके इसमें कि आप सारे लोग इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सबके बच्चों को कुछ ना कुछ इश्यूज हैं इसलिए स्पेशली ये लिखना पड़ा। अदरवाइज अगर कोई जनरल बच्चा भी है जो टिपिकल ग्रोइंग है उस पर भी ये चीज़ लागू होती है। दुनिया में कोई भी बच्चा हो चाहे वो मजदूर का हो या राजा का बेटा हो पढ़ते एक ही जैसे उनका ग्रोइंग पैटर्न एक ही जैसा होगा। तो आपको करना क्या है अभी करंट सिचुएशन करंट एरा में आप देखिए तो करंट थोड़ी सी चेंज हो गई है वो किसी भी रीजन से हो सकती है कोई पेरेंट्स को टाइम नहीं है दूसरी चीजें हैं वो डिस्कस बेटर पहले स्टार्ट यही कर रहे हैं कि बच्चों को हैंडल कैसे करना है जैसे जस्ट जनरल कि आप किस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं ये एक डिटेल टॉपिक है बट स्टार्ट हम करते हैं थोड़ा जनरल टॉपिक से कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। ठीक है एक स्पेशल नीड बच्चा जब घर में आता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले उसकी ही नीड फुलफिल करनी होती है आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो फुलफिल करनी है उसके लिए आपको तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जैसे आप खाना बनाते हैं ना तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें मेन तीन इंग्रेडिएंट्स हैं जो नमक का काम करते हैं। अगर सारी चीज़ें आपने डाली हुई है और नमक नहीं डाली डाला तो खाना आप खा नहीं सकते उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो पहला है पेशेंस दूसरा अंडरस्टैंडिंग तीसरा फ्लेक्सीबिलिटी दो के बारे में अभी बात करते हैं। फ्लेक्सीबिलिटी कम्स लेटर पेशेंस पेशेंस सबसे बड़ा तो ये है कि आपको थेरेपी को लेकर के पेशेंस रखना पड़ेगा बिकॉज थेरेपी इज नॉट अ मैजिक वो ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे उसको उसका असर दिखाई देता है। बच्चा जितना यंगर स्टेज में आप हमारे पास आता है उतना ही अच्छा होता है बट ऐसा नहीं है कि आप और चीज़ें चेंज नहीं हो सकती बच्चा बड़ा हो गया लेकिन उसको टाइम देना पड़ेगा। ये आपको सोच अंडरस्टैंडिंग का पेशेंस का मतलब यही है कि आपको पेशेंस नहीं देखना है कि जो ऑपरेशन आज आप डाल रहे हैं वो बच्चा जब 6-7 साल का होगा मान लीजिए कोई बच्चा हमारे पास 2.5-3 साल का होकर के आता है आपने वो फाउंडेशन डालनी शुरू की तो बच्चे बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं आप ये नहीं बोल सकते कि कब कौन सा बच्चा क्या शुरू कर दे लेकिन आप गलत फाउंडेशन नहीं डाल रहे हैं उसमें आप थेरेपिस्ट पे पेशेंसली ट्रस्ट कर सकते हैं और थेरेपिस्ट जो कर रहा है लेट हिम डू पेशेंसली उसको देखिए पेशेंसली चीज़ें पूछिए हैज़र्ड वे में अगर आप जाते हैं तो प्रॉब्लम और ज़्यादा वर्स हो जाएगी। कभी कभी कुछ बच्चे हैं जो प्यार से समझते हैं अब सपोज कीजिए आप कोई बच्चा है जो लो टोन है जो धीमी आवाज़ पे रिस्पॉन्ड नहीं करता तो क्या करेंगे आप प्यार से कराते रहिए नहीं सुनाई देगा तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बच्चे को स्कॉल्डिंग में बात किया जा रहा है डांट करके बात कर रहे हैं बट ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ न्यूरॉन्स जो है वो लाउड वॉइस पे ही फायर अप करते हैं और बच्चा एक्टिविटी के लिए एक्टिव होता है। तो किसी भी बच्चे का एक्टिव होना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना थेरेपिस्ट का। देन नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत छोटा वर्ड है बट उसका जो इफेक्ट्स हैं या उसको कर अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बच्चे को समझना उसकी लैंग्वेज को समझना वो क्या चाहता है ये समझना ये सारा कुछ इवन आपको अंडरस्टैंडिंग थेरेपिस्ट की भी देखनी पड़ेगी थेरेपिस्ट से भी म्यूचुअली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई थेरेपिस्ट ये करा रहा है तो क्यों करा रहा है ये पूछ करके और थेरेपिस्ट जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी वो एक दिन में डेवलप नहीं होती। फ्लेक्सीबिलिटी थोड़ा सा मैं बताता हूँ फ्लेक्सीबिलिटी इज नॉट कि बॉडी की फ्लेक्सीबिलिटी इज मान कि मान लीजिए कोई बच्चा है एक तरीके से काम नहीं कर रहा आपने आराम से बात की इज नॉट फेयर वो सुन ही नहीं रहा आपकी बात उसको जगाने के लिए कभी कभी आपको जोर से बोलना पड़ता है। तो द वे यू आर अप्रोचिंग आप अपने अप्रोच करने का तरीका बदल सकते हैं लेकिन गोल उस एक्टिविटी का वही रहेगा। अभी अलग अलग सिचुएशन में मदद चलेंगे अभी ये सिर्फ जनरल टिप्स हैं कि बच्चा अगर स्पेशल नीड का है अलग अलग वेरियस इन्वायरमेंट में जा रहा है स्कूल में घर पे है स्कूल में है पार्क में है किसी सोशल फंक्शन में है उसके लिए क्या कर सकते हैं आप
दिस इज जस्ट अ जनरेटिव एनवायरनमेंट के बारे में बात, एनवायरनमेंट स्पेसिफिक वो बातें थोड़ी डिटेल में होंगी, बट दिस इज स्टार्टिंग, सो लेट्स सी। सबसे पहला पार्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं सिर्फ बात करना ही। अच्छा, दो टर्म्स आते हैं, एक स्पीच, दूसरा लैंग्वेज। तो बच्चे में लैंग्वेज पहले डेवलप होती है और स्पीच बाद में आती है, धीरे धीरे उसको फिल इन करती है। कभी कभी क्या होता है कि आप कम्युनिकेशन को ये समझ लेते हैं कि बच्चा यूट्यूब देख रहा है, मींस टॉकिंग, तो बच्चे की स्पीच आ गई। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ रोड लर्निंग है, उसको स्पीच समझने की भूल ना करें। लैंग्वेज का मतलब है कि बच्चा बॉडी लैंग्वेज भी समझता है कि आपने आँख दिखाई तो उसको पता लगे कि आप गुस्सा हैं, आप स्माइल कर रहे हो तो दैट मींस मम्मी पापा को अच्छा लग रहा है। दिस इज आल्सो काइंड ऑफ, दिस इज काइंड ऑफ लैंग्वेज जो बच्चा स्टार्टिंग से समझता है। कब? जब से वो सोशल स्माइल देना शुरू करता है, छोटा होता है तब से। अगर बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है तो दैट माइट बी अ प्रॉब्लम। थोड़ा बहुत हफ्ता, 10 दिन, 15-20 दिन, महीना भर चलता है, बट अगर बच्चा थ्रू आउट ऐसा कुछ कर रहा है कि सोशल स्माइल नहीं दे रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहला पार्ट ये है कि आपको ये जानना होगा कि बच्चे के अंदर क्या परेशानी है और कितने हद तक है। तो ये आप तभी समझ पाएंगे कि कम्युनिकेट कैसे करना है। ये तो एक अलग पार्ट हो गया। उसकी नीड्स समझना कि बच्चा चाहे कब किस तरह से एक्ट करता है, जब आपसे कुछ चाहता है या आपसे कुछ करवाना चाहता है। तो दिस इज द वे हाउ पेरेंट्स एंड किड्स कम्युनिकेट। अगर ये स्टेब्लिश है तो आप किसी भी सिचुएशन में बच्चे को आराम से हैंडल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि बहुत कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए बच्चा बिगड़ गया किसी वजह से, तो आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कमांड उसको देंगे तो नहीं सुनेगा, इवन सिंपल भी नहीं सुनेंगे। ट्राई कीजिए कि बच्चा सिंपल कमांड पहले आप का फॉलो करने लगे, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे जाइए। क्योंकि हर पेरेंट्स को बाई द टाइम 2 साल 2.5 साल 3 साल तक सबको पता होता है कि बच्चा किस स्पीड से लर्न कर रहा है। ठीक है, ये बात। दूसरा है कि उसका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, साइन लैंग्वेज पे है बच्चा, ये सब कुछ आपको देखना है एज अ पेरेंट। ये देखना आपकी ड्यूटी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये ड्यूटी है क्योंकि आगे मान लीजिए बच्चे में कुछ इश्यूज आप डिग आउट करते हैं कि बच्चे में है ऐसी प्रॉब्लम, तो वो थेरेपिस्ट को भी हेल्प करेगा कि बच्चे से किस तरह से कम्युनिकेट किया जाए। अगर पेरेंट्स को, यहाँ कई बार हम ये चीज़ें फेस करते हैं कि पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो बिहेवियर कैसा बच्चा, कौन सी एक्टिविटी कब करता है, कितना परसेंट तक करता है, इस हफ्ते हमने ध्यान में तो देखा ही नहीं। तो थोड़ा बहुत तीन ही बच्चों को वॉच करना जरूरी है। नॉट एवरी टाइम कि आप आज भी नजर रखिए कि 2 घंटे में खाना खिलाना है, इतने देर हो गई पानी नहीं पिया, ठीक है पानी पी लेगा यार, तो उसे जबरदस्ती कुछ कर रहे हो, उसको प्यास लगी तो पी लेगा। शुरुआत में नो डाउट आप शुरू, बच्चा छोटा है तो 2 घंटे में उसको खाना खिला रहे हैं, आप फीड करा रहे हैं, डेट हो गया। बट जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, उसका होल्डिंग टाइम थोड़ा बढ़ गया है, तो जबरदस्ती उसी उसमें डालें। दूसरा है कि बच्चा चाहता क्या है। बच्चा वही चाहेगा जो आप शुरू से उसको खिलाएंगे। हमेशा बताया एक छोटा सा टर्म है कि डेटॉल बहुत यूज, आई थिंक वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत लंबी चलती है कि जिन घरों में डेटॉल यूज होता है उसमें लोग कम बीमार पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप डेटॉल यूज करते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, किसी मदर ने कंसीव किया, बेबी के आने से पहले से इतनी सफाई शुरू हो जाती है कि कपड़े भी डेटॉल में, पोछा भी डेटॉल का, नहा भी डेटॉल से रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है। सिंपली जैसे आप काम करते हैं वैसे कर लीजिए। अगर कुछ डर्ट लगी है, गंदगी लगी है तो कपड़ों में डेटॉल डालिए, आपको डेटॉल डाल के नहाने की जरूरत नहीं है। आप डेटॉल का क्या काम है कि जर्म्स को हटाना। ऐसे बहुत सारे बॉडी माइक्रोब्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, आपका खाना बचाते हैं, आपकी बॉडी में जो अनशन चीज़ें उसको हटाते हैं, वो भी हट जाएंगे तो फिर तो आपको आपके ऊपर आप ज़्यादा प्रॉब्लम हो गए इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, तो बच्चों की नीड को समझिए, ट्राई टू कम्युनिकेट वर्बली नॉन वर्बली कैसे भी। स्पीच की तो खैर जरूरत पड़ती है, बट अगर बच्चा, जब तक आपके पास कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं है तो एटलीस्ट
बात करना, उसकी चीजों को समझना जरूरी है, झड़क देना या कोई रेमेडी नहीं है। नेक्स्ट रूटीन, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे बड़ी बात है, जब भी बच्चा, मान लीजिए हमने कोई टाइम शेड्यूल किया कि भाई कितने टाइम आना, सर ये तो सोने का टाइम है उसका। अब आप सोचिए, जो सबसे बड़ा है, कई बार ये देखिए सर रात को सोता नहीं है, 3 घंटे दिन में सो जाइए आप, रात में देख लीजिए नींद आती है आती है क्या। रूटीन उसका सेट कीजिए, वो नो डाउट स्टार्टिंग में बच्चा प्रॉब्लम करेगा कि होना और इतना थोड़ा क्रैंकी हो ना, बट घर में ही रहेगा उस टाइम उसका रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। अगर रूटीन नहीं बनता है तो फिर प्रॉब्लमेटिक होगी, प्रॉब्लम होगी, और लाइफ को स्ट्रक्चर देना, स्टेबिलिटी देना, ये हमारा फर्ज है। अगर आप रूटीन सेटल नहीं कर पाए बच्चे का, तो स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी के बारे में भूल जाइए। उसको ये पता होना चाहिए प्रेडिक्टेबल रूटीन की, हाँ सुबह उठने के बाद मुझे ब्रश करना है या वॉशरूम जाना है या पानी पीना है। आप एक बार सेट कर दीजिए, ऊपर वो राउंड द क्लॉक रहेगी जाएगी पूरी लाइफ। अगर शॉर्ट में बोला जाए, लेमन टर्म में या बहुत सिंपलर वे में, तो बच्चे को डिसिप्लिन बनाने का पहला स्टेप है कि बच्चा उठा हुआ है, ब्रश कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब देखना हम लोगों का काम है। तीसरा है सेफ्टी, ये बच्चा अगर किसी सिचुएशन में ब्रेक डाउन कर रहा है या कुछ परेशान कर रहा है, क्रैंकी है, जैसे फ्री स्पेस में बच्चे भागते हैं, वो आप नहीं रोक सकते, यूनिवर्सल ट्रुथ है। कोई बच्चा है अगर कहीं फ्री स्पेस मिला उसे, वो भागेगा ही भागेगा, आप रोक ही नहीं सकते, तो इस चीज़ के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ ये देखते रहिए भाई चोट ना लगे, सेफ्टी तो ज़रूरी है। दूसरा है कि घर में कुछ पोटेंशियल थ्रेट्स होते हैं, टेबल के कॉर्नर्स हो गए, स्विचेस जो नीचे हैं वो कवर अप कर दीजिए। वाई थिंक अब शायद कई चीज़ें आने की लगी है कि वो कॉर्नर एजेस बच्चे को कवर कर दीजिए, चोट ना लगे। सीढ़ियों पर चल रहा है, बच्चा भाग रहा है, उसे नहीं पता कि कितनी देर दौड़ना है, कितनी देर नहीं करना है, तो थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए कभी कभी। हाँ ये है कि भाई रूटीन या रिस्क से बचाने के चक्कर में ओवर प्रोटेक्टिव ना हो गए, कि पता लगा बच्चा ने एक छींक मारी, एलेग्रा दे दो, थोड़ा सा सिर दर्द हुआ ये दे दो, थोड़ा सा पेट में गड़बड़ हुई ड्राई वाटर दे दो, ये सब देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बॉडी को ये भी दे सीखने दीजिए कि इन सब चीज़ों से लड़ना कैसे। भाई अगर सपोज बच्चे को कुछ फील होने से पहले आपने दवा दी, बताना कैसे सीखेगा कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है, उसे पता ही नहीं कि दर्द क्या होगा, अब ठीक आई पापा मम्मी ने सीखा सुना, अब तो दवा मिल जाएगी मुझे बताने की जरूरत है, वो और बंद हो जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बंद कर दूंगा। पोटेंशियल रिस्क हर घर में होते हैं नो डाउट, कभी कभी बच्चे बहुत देखने के बाद भी गिर जाते हैं। अक्सर कभी होता है कि बच्चा लड़कता हुआ बेड से नीचे गिर गया, तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। मैक्सिमम उसमें यही होता है कि बच्चों का जो स्कैन है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उतना उसमें उनको जल्दी हार्म नहीं होता, कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर प्रॉब्लमेटिक है तो आप ये देख लीजिए 24 आवर्स में बच्चे को वोमिटिंग ना, अगर हो रही है तो रश टू द डॉक्टर्स, देन एडवोकेसी। अगला जो पार्ट आता है कि आपको ये जानना जरूरी है अगर बच्चा स्पेशल नीड का है या टिपिकली ग्रोइंग है, तो ये पता होना चाहिए कि इस बच्चे के राइट्स क्या हैं, किस चीज़ के लिए हाँ करना है उसे, कि इसको कौन सी चीज़ मैंडेटरी है, कौन सी चीज़ है तो ऑप्शनल है उसके लिए कि वो मना कर सकता है। तो किसी के सबसे बड़ा चीज़ आती है बुलिंग, बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बुली होने के चांसेस बहुत रहते हैं, तो बच्चे को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है आपको कि आपके राइट्स क्या हैं, आप अपने लिए खुद स्टैंड लेंगे, हेल्प लेंगे। स्टैंड का मतलब ये नहीं कि किसी ने भूल गया तो बस पटक के धोना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं, वो थोड़ा स्कूल के नॉर्म्स के अगेंस्ट चला जाता है, लेकिन ये है कि हाँ बच्चे को जाकर के भाई तुम टीचर्स को जाकर बताओ या आपने से बड़ा कोई है उसको जाकर के आप बताओ कि ये चीज़ें हो रही है। उसके बाद फर्दर चीज़ें आती हैं कि भाई स्कूल में जब नहीं सुना देन यू कैन गो, मतलब कि भाई आप हमें बताओ, हमने बताया था कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। दूसरा है कि अगर किसी और के साथ भी बुलिंग हो रही है, कोई बच्चा बुली कर रहा है किसी और बच्चे को,
तो भी आपको स्टैंड लेना है, जाकर के उस पर्टिकुलर बच्चे के साथ खड़े होना है कि हाँ भाई जो विक्टिम है तो कि चलो ठीक है मैं आपके साथ में हूँ, तो थोड़ी देर के लिए सिचुएशन हैंडल हो जाती है, चलो एक से दो हो गए तो वो जो सामने वाला बोली वो चला जाता है, फिर दोनों मिल करके जाकर के आप टीचर्स के पास शिकायत कर लीजिए, या बाहर घर में भी है तो किसी बड़े को जा सके। ये जरूरी है कि बच्चा आपको आकर के सारी चीज़ें बताए। देन सेल्फ केयर, सेल्फ केयर में सेल्फ केयर छोटा सा दो वर्ड है सेल्फ केयर, बट यूज वो राजीव सर आपको ज़्यादा बेटर बताएंगे। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि जो सपोर्ट केयर गिवर सपोर्ट के लिए बैठे हुए हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, दे आर सपोर्ट यू, वो आपको सब कुछ बता देंगे कि सेल्फ केयर में आपको क्या करना है। एक सबसे की पॉइंट यही है कि भाई आप अपनी जो हॉबी है ना वो मत छोड़िए, हॉबी छोड़ दिया आपने ना तो डिप्रेशन पक्का है, फिर आपको कोई नहीं बता सकता। हॉबी एक ऐसी चीज़ है जो आप लेजर टाइम में करते हैं और आपके स्ट्रेस को बहुत हद तक कम कर देता है। पुराने जमाने में लोगों को पढ़ने की आदत हुआ करती थी, शाम को लोग चौपाल में बैठते थे, जाते थे, उसके बाद सोते थे। अब ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, चौपालों का की जगह बार्स हो गए हैं और कई से कॉफ़ी शॉप्स हो गई हैं, बट कम बेस वैसा ही माहौल रहता है। नेक्स्ट इज कंटिन्यू लर्निंग, लर्न करते रहिए। मैंने इंफिनिटी का साइन भी इसीलिए बनाया कि ज्ञान अनंत है, आप जितना चाहिए उतना, लेकिन नेट से नहीं, ज्ञान वो लीजिए जो आपको परेशान ना करे, इसीलिए बोला जाता है सा विद्या या विमुक्त है, जो आपके इसको खोल करके थोड़ा हल्का कर देना वो विद्या है, बाकी अगर सिर्फ बाहर बढ़ा देना तो वो नॉलेज है। तो अगर आपका लगता है कि नेट पर जब से भारी हो रहा है अनसन चीज़ें पढ़ें तो उसको बंद कर दीजिए, उसको हटा ही दीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़िए। और लर्निंग के लिए रिसोर्सेज हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें बुक्स हैं, अदरवाइज और बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन चीज़ें कम पढ़िए, अपने फ्रेंड्स से सपोर्ट लीजिए, रिसोर्सेज और भी हैं, वर्कशॉप सेमिनार्स जैसे हम कर रहे हैं, या आपके प्रोफेशनल जो आपके पीडियाट्रिशियंस हैं, जनरल फिजिशियंस हैं, आपके थेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स, इन सबसे आप ले सकते हो, कोई ऐसा मतलब फाउंडेशन नहीं है, हर जगह से ज्ञान मिल सकता है, आप अपने स्क्रिप्चर्स से भी ले सकते हैं, कोई बदी हुई चीज़ नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी करेंगे कि जब पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपको तो अपने आप में सवाल के जवाब अपने आप मिल जाएंगे, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड फाइनल वन इज इट इज ईजियर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रेन देन टू रिपेयर अ ब्रोकन मैन। बच्चे को बचपन से सुधार के रखिए ब्रोकन मैन बनने से पहले। अगर देखिए कोई चीज़ है जो सॉफ्ट है उसको आप आराम से सीधा कर सकते हैं, अगर वो चीज़ सूख करके कड़ी हो गई ना, जैसे आप बोलते हैं बिहेवियर और मेच्योर बिहेवियर, आदत खराब हो जाने के बाद आदत बदलना बड़ा मुश्किल काम है। तो बच्चों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Okay.
इंटरेक्शन होता है. सो इन सब के लिए इन सब सारे प्रोफेशनल से ऊपर सब एक हम वर्ड यूज करते हैं पेरेंट्स एज अ को-थेरेपिस्ट. ठीक है, तो उस वर्ड को बहुत लाइट नहीं लेना है. इफ यू गाइस आर ओके, इफ योर मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ इज ओके, देन ओनली यू कैन सपोर्ट योर चाइल्ड. स्पेशली फॉर द फीमेल, स्पेशली फॉर द मदर्स. मैं फादर के साथ वो कोई जाती नहीं कर रही हूँ, बट मदर इज अ प्राइमरी केयर गिवर इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज. ठीक है, चाहे वो वर्किंग मदर है या हाउस वाइफ है, बट मदर इज अ प्राइमरी केयर गिवर. तो कहीं ना कहीं बच्चे की पेरेंटिंग का जो एक भार होता है मदर पे ज्यादा होता है. और कहीं ना कहीं फीमेल एज कम्पेयर टू मेल इमोशनली वीक तो वर्ड यूज नहीं करूंगी, बट इमोशनल ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल. वो नेचर की तरफ से है. ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट ज्यादा चाहिए होता है. सो वी ऑल वेमेन एंड वी ऑल आर हेयर जस्ट फॉर योर सपोर्ट. ठीक है, अभी आशु सर के साथ हमने जस्ट आज अभी सामने है वो है जो ऑलरेडी अवेयर है उस सिचुएशन से.
लेकिन जो अगर आपके आप आगे भी जैसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की सर में एक बात बोली, अगर आप आपने कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन किया है, आपके कांटेक्ट में ऐसे पेरेंट्स आते हैं, सो यू कैन टेल देम कि जल्दी लाइन जल्दी चीजों को ऑब्जर्व करना और जल्दी प्रोफेशनल हेल्प तक पहुंचना विल क्योर योर चाइल्ड। आपकी 50% तक उस बच्चे के इश्यूज को टैकल हो सकते हैं। जो बच्चा 2 साल तक प्रोफेशनल तक पहुंचता है और अगर वही बच्चा 5 साल के बाद 7 साल तक पहुंचता है तो सेम लाइक जैसे हम एक कच्ची मिट्टी से हम जो बर्तन बनाते हैं तो हम उसकी शेप दे सकते हैं, इसे बेसिकली मेडिकल वर्ड्स में बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, ठीक है, ब्रेन का चेंज होना। तो अर्लीस्ट स्पेशली 5 to 5 ईयर तक हम बच्चे में जितनी चीजें लर्न करवा सकते हैं वो लर्न बेस्ट डेवलपमेंटल स्टेज होती है, लर्निंग स्टेजेस होती है। तो जो बच्चा 2-2.5 साल में आपके या तो ये है कि धीरे धीरे पेरेंट्स अवेयर हो रहे हैं, बट फिर भी बहुत ज़रूरत है। एंड 1-2 साल तक जो बच्चा प्रोफेशनल तक आ गया है उसके डेवलपमेंट में उसकी चेंजेस हमने 90% तक देखे हैं, और जो बच्चा हमारे पास आफ्टर 7 ईयर आया है उसके चेंजेस हमने कम देखे हैं। ऐसा नहीं कि चेंजेस नहीं होते हैं, होते हैं, बट एक बहुत मेजर डिफरेंस आता है। उसका रीजन भी होता है कि बच्चा फिजिकली ग्रो करता है, उसके बिहेवियर्स डेवलप हो चुके होते हैं, उसके सेंसरी इश्यूज डेवलप हो चुके होते हैं जो कि ब्रेक करने में उसको मेंटेन करने में बहुत टाइम लेते हैं एज कम्पेयर टू अर्ली इंटरवेंशन। जो बच्चे अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में होते हैं यानी कि जल्दी जिनका ट्रीटमेंट शुरू हो चुका होता है। सो हम सबसे पहला एक्सेप्ट करें अपने आप इस सिचुएशन ये पूरी जो जर्नी है पेरेंटिंग की, सर ये कुछ पॉइंट्स उसमें से डिस्कस कर चुके, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, पेशेंस है, एडवोकेसी होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए गवर्नमेंट क्या स्कीम्स निकाल रही है क्या नहीं निकाल रही है, इंक्लूसिव स्कूल में के लिए बच्चों के लिए क्या रूल्स है, ठीक है, पर हमें प्रोफेशनल हेल्प के लिए कहाँ जाना है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स कि हमारा बच्चा भाई जल्दी ठीक हो तो ट्रीटमेंट भी चल रहा है, मेडिसिन भी चल रही है, मे बी उस बच्चे को मेडिसिन की जरूरत नहीं है। यू हैव टू आस्क 2-3 प्रोफेशनल एटलीस्ट, ठीक है, या हम ऐसे भी करते हैं कि आँख बंद करके एक जगह जाओ वहाँ पे शुरू कर दो, मतलब 2-3 प्रोफेशनल्स की हेल्प लो, ठीक है, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं वो, पेडियाट्रिशियन हो सकते हैं और आपके डिफरेंट डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट हो सकते हैं। सो होम एनवायरनमेंट में पेरेंट्स को सबसे पहले बच्चे के साथ इस चीज का ध्यान रखना है, अगेन वर्किंग और नॉन वर्किंग बीइंग अ पेरेंट्स एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, इट्स नॉट अबाउट द टिपिकल ड्रॉइंग और इट्स नॉट अबाउट द स्पेशल ड्रॉइंग, बीइंग अ पेरेंट्स एक अपने आप में एक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बाहर ना समझे, एक आपका यू नो अपग्रेडेशन हुआ है, पेरेंट्स बनते हैं तो अपग्रेड ही होते हैं, ठीक है, तो आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे आपका लव आपका बॉन्ड उस बच्चे के साथ स्ट्रांग होगा, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड क्यूज जेस्चर बच्चा क्या दे रहा है, ठीक है, और बच्चा सिक्योर फील करेगा जितना पेरेंट्स को टाइम देंगे। बच्चे का अगर इमोशनल मेल्टडाउन हो रहा है उस सिचुएशन में आपकी मेड नहीं संभाल पाएगी जो मदर और जो फादर संभाल पाएगी, ठीक है, क्रिटिकल सिचुएशन में वो भी समझ पाएगी अच्छा इसको क्या जरूरत है इसको क्या नहीं है हम इसको कैसे टैकल करें, क्योंकि जब आप डेली बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है अच्छा मैंने इसको थोड़ा उस दिन बाहर वॉक करवाया था तो ये सेटल हो गया, इसको थोड़ा सा लाइट म्यूजिक देते हैं तो ये सेटल हो जाता है। जब आप टाइम स्पेंड नहीं करोगे तो हाउ यू विल अंडरस्टैंड योर चाइल्ड। घर के एनवायरमेंट में बच्चे को ऑर्गेनाइज जरूर रखना है, ठीक है, हम एक ऑर्गेनाइज जैसे मदर किचन में काम कर रही है और बच्चा अपने टॉय से कुछ कुछ खेल रहा है, दैट इज नॉट अ ऑर्गेनाइज प्ले, दैट इज नॉट अ स्ट्रक्चर्ड प्ले, ठीक है, वो एक्सप्लोरेटरी स्टेज है, हमने बहुत सारे टॉयज दे दिए बच्चों को और बच्चा उसे कुछ भी यू नो जोड़ रहा है तोड़ रहा है कुछ चीजें न्यू बना रहा है, ठीक है, वो क्या है एक्सप्लोरेटरी स्टेज है, वो 2-2.5-3 साल तक के बच्चे के लिए दैट इज ओके, क्योंकि बच्चा जब एक्सप्लोर करेगा तभी लर्न करेगा,
बट अब वो बच्चा अगर 4 साल या 5 साल का हो गया है तो वहां पे वो तो बच्चे को ऐसे आपके ऐसे गेम्स उस बच्चे के साथ शेयर करने चाहिए जो जिसमें रूल्स हो, जिसमें बाउंड्रीज हो, बच्चे को समझ आना चाहिए स्टार्ट स्टॉप इसको कैसे। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको स्ट्रक्चर के आप उसको इंट्रोड्यूस करवाने हैं, दैट कैन बी एनीथिंग जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन हो। आप कैच एंड थ्रो करवा रहे हैं, कैच एंड थ्रो का अगर आप गेम खेल रहे हैं बच्चों के साथ तो कैच एंड थ्रो क्या है, कमांड है, स्टार्ट एंड स्टॉप क्या है, कमांड है। आपको उसी बास्केटबॉल या फुटबॉल से आपको किकिंग करवा रहे हो, कैच एंड थ्रो करवा रहे हो, डिफरेंट पैटर्न में उसको प्ले करवा रहे हो, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स क्या है बच्चे की लर्निंग को बढ़ाती है। सो बच्चे को छोड़ नहीं देना है कि मदर किचन में है, फादर नहीं है घर पे तो हमने छोड़ दिया, या हमने स्क्रीन दे दी, ठीक है। मोबाइल जो सबसे बड़ा रीजन एक कहीं ना कहीं निकल कर आता, सबसे बड़ा रीजन पेरेंट पूछते हैं मैम मैंने तो ध्यान रखा था पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में, क्या ऐसे इश्यूज हो गए। मदर का ये गेट होता है क्या मैं रीजन, आप रीजन नहीं हो। कोई भी मदर नहीं चाहती कि या कोई भी पेरेंट नहीं चाहते हैं दोनों की हमारे बच्चे का इश्यू बने, ठीक है। बट देयर इज लॉट ऑफ रिसर्चेस जिसमें हमारा लाइफस्टाइल भी इंक्लूड है, हमारा स्लीपिंग पैटर्न, हमारा स्क्रीन टाइम, हमारा फैमिली एनवायरनमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती है। बट एक पर्टिकुलर रीजन क्या है वो एक कोई ऐसा मेडिकल टेस्ट नहीं है जो बता पाए कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड एएसटी, ठीक है। यस, अगर वो उसमें कोई जेनेटिक इश्यूज है तो हम जेनेटिक काउंसलिंग जरूर करवा देते हैं, जेनेटिक टेस्ट जरूर करवा देते हैं, बट इसके लिए पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है। सो स्ट्रक्चर में रहना, बच्चे के साथ डिफरेंट गेम्स को ट्राई करना जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन में, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, बच्चे के साथ आपको सिंपल कमांड्स का यूज करें, ले लो दे दो, अपनी रीजनल। अब आप एक लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करें शुरुआत में, बच्चा समझ नहीं रहा, एनवायरमेंट से बहुत सारे इनपुट मिल रहे हैं उसे, बच्चा उस इनपुट को ले नहीं पा रहा, आप उसे बोल रहे हो इधर आ जाओ, ये खा लो, सिंपल कमांड्स हम जो यूज करते हैं, बट बच्चा इसे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बता रही से, तो एनवायरमेंट से जो भी उसे क्लूज मिल रहे हैं बच्चा उसको समझ नहीं पा रहा, उसकी प्रोसेसिंग ब्रेन में नहीं हो पा रही, और जब वो प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है, वो मैसेज ब्रेन रीड नहीं कर पा रहा, तो बच्चा आउटपुट भी नहीं दे पा रहा, ठीक है। और हम फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं कि बच्चा का स्पीच नहीं आ रहा है। सो आपको बच्चों के साथ सिंपल शब्दों का यूज करना है, अपनी उस लैंग्वेज को यूज करो जो आप कॉमनली यूज करते हो। हम मोस्टली पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप हिंदी या ऐसे एनवायरमेंट देखो जहाँ बच्चा स्कूल में भी इंटरेक्ट कर पाए। अगर आप बाहर सिक्योरिटी कर रहे हो, सिक्योरिटी गार्ड से हाय हेलो नमस्ते गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग जो भी करना है तो बच्चा वो भी कर पाए, सबसे इंटरेक्ट कर पाए, ऐसा नहीं कि घर में, ठीक है। तो आपकी वो रीजनल लैंग्वेज हो सकती है हिंदी इंग्लिश कुछ भी ऐसा हो सकता है, एक लैंग्वेज प्रेफर करें और सिंपल शब्दों का यूज करें। शब्दों के साथ साथ जब आप बात करते हैं तो वो ऑडिटरी क्यूज हो गए, ले लो दे दो जाओ दे दो पापा को बुलाओ पापा मम्मा, ठीक है। साथ में एक्शंस का यूज जरूर करें क्योंकि बच्चा देखकर और सुनकर सुनने से पहले बच्चा एक्शंस को जल्दी इंटरप्रेट करता है, ठीक है। तो जब बोलो आ जाओ गिव मी हाई फाइव गिव मी हाई टेन, ठीक है, जब भी आप उसे कोई ऑप्शन दो फ्रूट्स की ये खाना है ये खाना है तो उसको दिखा दो, ठीक है। एप्पल हम कार्स का भी यूज करते हैं स्पीच में या वैसे भी हम कार्स का यूज करते हैं बच्चों की ताकि लर्निंग जल्दी हो। और उन पिक्चर्स में भी हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम रियलिस्टिक फोटोज को जरूर लें, ठीक है। आजकल फोटोज भी ऐसा है ना कि 3D 4D जो एक रियल इमेज निकाल के दे, तो कोशिश करें कि वो क्योंकि बच्चे हमें लगता है कि एप्पल ही तो है ये 2D ले या 3D ले 4D, बट उनकी जो लर्निंग होती है बहुत स्पेसिफिक होती है, ठीक है। वो इसमें भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि ओके दिस एप्पल इज डिफरेंट द साइज इज डिफरेंट और ये 4D वाला एप्पल इज डिफरेंट, ठीक है। सो विजुअल
सेकेंड मोड पे जब वो एक ही चीज बार बार करेगा तो वो उसकी लर्निंग जल्दी होगी। बच्चे को आप पार्क लेके जा रहे हो, मॉल लेके जा रहे हो, यू डोंट नो कि बच्चा या किसी पार्टी में जाना है कि बच्चा बहुत था गैदरिंग में ओवरवेल्म हो सकता है, बहुत एंजाइटी में आ जाता है, ठीक है, या बहुत इरिटेट हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें आसपास के शोर से नॉइज से कोई इशू नहीं है, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जिनको बहुत इशू है, बट आपके लिए भी नया है, आपको भी नहीं पता। तो क्या करना है कि जब भी कोई ट्रांजिशन स्टेज आए आप बच्चे को एक्सप्लेन करें, ठीक है, बच्चे को एक्सप्लेन करें जिस हद तक आप कर सकते हो। एटलीस्ट हम समझता नहीं है अभी तो, ऑफकोर्स ये हमारी इशू है, अभी समझता नहीं है, ठीक है, तो उसको पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है, पिक्चर्स के थ्रू या आप कम्युनिकेट करते रहे, हम जाएंगे, क्या खाना है आपको, आपको वहाँ खाना है तो हम शॉपिंग लेके जाएंगे, ठीक है, पार्क जाना है तो बॉल्स वगैरह या जो भी टॉयलेट से हम ये लेकर खेलने जाएंगे, यू वॉन्ट टू प्ले, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके, इससे क्या है एक तो बच्चे के और बच्चा इतना अंडरस्टैंडिंग है तो उसका जो शेड्यूल पहले से उसके माइंड में चीज़ें होंगी कि मुझे अब नेक्स्ट क्या करना है, वो प्रिपेयर पहले से हो जाएगा, वो टेंट्रम्स उतने हाई नहीं जाएंगे जो हमें बिना बताए बच्चे को इंस्टेंटली हम देखें। As I already told कि हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं कि उसका यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, बच्चे को घर में एक ऐसा कॉर्नर प्रोवाइड ज़रूर करें जहाँ पे बच्चा बहुत अपने आप को सेफ और काम फील करे, ठीक है। हर उसमें अभी दो तरह से सिचुएशन आ जाती है कि अगर सेंसरी इश्यूज हैं बच्चे के साथ, अगर बच्चा सीकर है, ठीक है, या बच्चा अवॉइडर है, तो दोनों ही सिचुएशन में हमें थोड़ा रूम को थोड़ा डिफरेंट रखना है कि ब्राइट कलर्स का हम ज़्यादा यूज़ ना करें, डिस्ट्रैक्टिव वाली चीज़ें ज़्यादा ना हो, ठीक है, बच्चे के लिए जो पसंदीदा चीज़ें हैं वो वहाँ पर हो, बीन बैग हो गया, वेटेड जैकेट्स हो गई, डीप प्रेशर के लिए जैसे थेरेपी बॉल हो गया, ठीक है, स्विंग हो गया, जहाँ पे बच्चा खुद को जाकर रिलैक्स कर सकता है कि अभी कैन गिव सम टाइम कि आपका ये उसको भी समझ में आने लगता है कि धीरे धीरे ये मेरा प्ले कॉर्नर है एंड आई एक्सप्लोर हियर, ठीक है, तो कोशिश करें कि एक ऐसा रूम जहाँ पे एक ऐसा कॉर्नर, ठीक है, जहाँ पे बच्चा खुद को एक्सप्लोर कर पाए, अपनी अपने आप को जनरलाइज कर पाए। जैसे मैं अभी बोल रही थी कि आपको एक पैटर्न जरूर फिक्स रखना चाहिए बच्चे का, सुबह उठा बच्चा, वॉशरूम गया, टीथिंग किया, देन उसके बाद बच्चे ने बात किया, अगर बच्चा स्कूल गई है ना स्कूल जा रहा है कि फाइव एक्टिविटी बच्चे की अगर डेली पैटर्न में रहेगा, बच्चे को धीरे 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 डेली समझ में आने लगेगा कि ये करना है रिपीटेड मोड पे कोई भी एक्टिविटी है, तो मैंने बहुत बड़े बड़े टास्क बता दिए बच्चे को। लर्निंग में भी अगर बच्चे को कोई बहुत जनरल एक्टिविटी करवानी है तो हम थेरेपीज में करवाते हैं ना, और या होम प्लान में भी हम पेरेंट्स को बता दें कि इस एक्टिविटी को 100 times रिपीट करना है, इसको 10 times करना है, इसको कितना टाइम्स करना है, ठीक है, उसका रीजन क्या है। अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस हम जितना 15 to 20 टाइम्स हम बच्चे किसी चीज़ को रिपीट करवाएंगे तो जो हमारे ब्रेन के साइनेप्सिस है, ठीक है, जो लिंक है वो बनना शुरू होता है, तो रिपीटेशन इसलिए ज़रूरी है, एक्शन से हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी चेंज होती है, न्यू साइनेप्सिस बनते हैं, लर्निंग होती है। ये चीज़ आप अपने आप में भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको, लेकिन डिफरेंस ये होता है आप कोई 35 ईयर है, कोई 40 है, आपको कोई न्यू हैबिट डालनी है, तो हम कहते नहीं कल्चरली कोर्स सुना होगा कि 21 days आप इस एक्टिविटी को डेली करोगे देन यू विल लर्न, ठीक है, वो क्या होता है क्योंकि आपके ब्रेन को हैबिट पर जाती है कि दिस पैरेंट बहुत जोर पड़ता है अगले दिन, ठीक है, एंड फिर बॉडी अडेप्ट कर लेती है उस चीज़ को, फिर आपको छोड़ने में भी जोर पड़ता है, ठीक है। बट बच्चे में और अडल्ट में डिफरेंस ये है कि वो जल्दी लर्न करेगा एज कम्पेयर टू यू। जब भी बच्चे के साथ प्ले टाइम में हो तो डायरेक्शंस का
क्लियर गाइडलाइंस का यूज करना, ये मैं एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन इसमें गाइडलाइंस को जरूर, मतलब गाइडलाइंस वही कि आपका जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं क्लियर होना चाहिए। बच्चा अभी एक सेंटेंस नहीं समझ पा रहा और आप उसे ये बोल रहे हो एक्स वाई जेड, जो भी बच्चा है, आप इधर आओ और ये एप्पल लेके वहां पर रख दो और वहां से ग्लास ले आओ। तीन कमांड्स उस बच्चे को आपने बोल दी, वो तीन शब्द नहीं अभी समझ सकता एप्पल लेकर आओ, अभी वो उस कमांड को समझने के लेवल पर नहीं आया। एंड यू आर गिविंग थ्री कमांड्स एक साथ, ठीक है, तो वो कहां से रिस्पॉन्ड करेगा? उसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड लेवल। वो कैसे समझोगे? असेसमेंट के थ्रू, जो बच्चा इनिशियली आता है उसका एक डिटेल असेसमेंट होता है। कुछ बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है तो फिर हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए भी भेजते हैं, जिसमें हम डीक्यू असेसमेंट करते हैं, डेवलपमेंटल क्वेश्चन, जहाँ पे हमें बच्चे का समझ में आता है कि बच्चा 5 साल का उसकी एज है, क्रोनोलॉजिकल एज उसकी 5 ईयर है, बट उसका डेवलपमेंटल जो स्टेजेस हैं वो अलग है। स्पीच में बच्चा अभी 2.5 साल पे रुका हुआ है, फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चा अभी 3 साल पर है, अडेप्टिव रिस्पॉन्स में बच्चा अभी 4 ईयर तक पहुँचा है। तो हमें जो भी वो हम असेसमेंट कराने का रीज़न ये होता है कि जब आप थेरेपिस्ट ट्रीटमेंट प्लान करेंगे तो वो उस एज के अकॉर्डिंग करें। 5 साल का बच्चा है, स्पीच 2.5 साल पर है, हमें 5 साल के अकॉर्डिंग उसके साथ उसका गोल ही नहीं बनाना। पेरेंट्स को ये मानकर ही नहीं चलना कि 5 साल का है, हमें 5 साल की तरह बिहेव करे, नहीं करे, आपके कहने से नहीं करेगा। उस जो अगर उसका 2.5 साल का स्टेज है, अगर उसको सिर्फ 2-3 वर्ड्स ही आप आए हैं तो वो वहाँ से ही आगे बढ़ेगा, 5 साल की स्पीच नहीं आप लेकर आ पाओगे। हमें गोल एज अप्रोप्रिएट बनाना है, गोल एज अप्रोप्रिएट बनाएंगे, प्लान प्रॉपर चाहेगा, बच्चा रिकवर जल्दी करेगा, अंडरस्टैंडिंग आएगी, 5 साल का लेके चलेंगे नहीं कर पाएगा। फिर भी इससे क्या है, 5 साल का बच्चा 2.5 साल की स्टेज निकल कर आई है, थेरेपीज के थ्रू जो ये गैप है ये ब्रिज बनेगा। थेरेपीज करती क्या है, थेरेपी इस गैप को फिलफिल करने की कोशिश करती है, उसको रिड्यूस करती है विद टाइम, या इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, नॉट अ मेडिसिन सुबह लिया शाम को लिया और एक हफ्ते में बच्चा बिल्कुल बाहर आ गया, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। पेरेंट्स को भी बहुत पेशेंस रखने पड़ते हैं, फाइनेंशियली भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सर विल डिस्कस फर्दर इन डिटेल। सो स्ट्रक्चर प्ले से बच्चा सीखता क्या है, कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स, इमिटेशंस और लिसनिंग हैबिट्स में डेवलप होती है। तो जब भी बच्चे सब प्ले करें स्ट्रक्चर प्ले में शेयर करें। एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट थे जीन पायजेट, तो उनकी थ्योरी बहुत यूज होती है प्ले में। इट्स नॉट, मैं बहुत ही स्पेसिफिक ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने प्रोफेशनल ग्रुप ना होकर पैरेंट का ग्रुप है, ठीक है। सो बस उनका जैसे कि प्ले इज अ मेन ऑक्यूपेशन ऑफ अ चाइल्ड। आपका अभी ऑक्यूपेशन क्या है, फादर वर्किंग है तो उनका जो भी बैंक जॉब है, ऑफिस जॉब है, वो उनका ऑक्यूपेशन है। मदर है, होम मेकर है, वो उनका मेन ऑक्यूपेशन है। अगर बच्चे तो वो उनका ऑक्यूपेशन है। बच्चे का मेन ऑक्यूपेशन प्ले है, खेल है उसका, उसको एक्सप्लोर करने दे, यस, विद द सेफ्टी। सो उसमें बच्चे का अटेंशन बढ़ेगा, जजमेंट, थिंकिंग वो एक्सप्लोर करेगा, रिस्पॉन्ड बच्चों के साथ कैसे करना है, टर्न टेकिंग, क्योंकि ये सारे सोशल इंटरेक्शन के पॉइंट्स हैं कि बच्चा टर्न टेकिंग करना सीखे, शेयरिंग करना सीखे दूसरे बच्चों के साथ। अगर एक ग्रुप में रहेगा हमारा भी, जब एक बच्चे का ग्रोइंग पैटर्न चलता है तो बच्चा सब कुछ अपने आप ही सीखता, जब वो एक ग्रुप में जाता है तो वो कॉपी करता है कि और बाकी 3 बच्चे क्या कर रहे हैं, एंड वो फिर स्टार्ट कॉपी करना शुरू कर देता है। तो दिस इज द रीजन जो हम ग्रुप थेरेपी बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं, बट हम इनिशियल स्टेज में नहीं कर पाते क्योंकि अभी बच्चे को 1-to-1 सेशन की जरूरत है। प्ले में कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, सिंपल वर्ड्स पे मॉडलिंग करके, मतलब यानी कि एक्शन और इमिटेशन पे आपको मेनली फोकस करना है। बच्चे के साथ आप जो भी रूटीन में एक्टिविटी उसके साथ शेयर कर रहे हैं, हमेशा वो एक्टिविटी चूज करें जो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक वो नहीं कि मेरे बाकी दोनों बच्चे ऐसा करते हैं तो मैं तीसरे बच्चे पे भी सेम
के बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है वो एज एप्रोप्रिएट एक्टिविटी ना हो, बट बच्चे का अगर इंटरेस्ट होगा तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, बहुत बार बच्चे इरिटेट होते हैं और हमें उन शुरुआत में हमें उनके अकॉर्डिंग चलना होता है। जब उनके साथ एक बॉन्ड बन जाता है देन हम उन्हें अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। सो बच्चों का इंटरेस्ट एक्टिविटीज का जरूर ध्यान रखना है। होम प्लान में जो पेरेंट्स घर पे बच्चों को टैकल कर रहे हैं उसमें और जो थेरेपीज में भी थेरेपी ले रहे हैं, अगर थेरेपिस्ट होम प्लान शेयर कर रहा है, होम प्लान इज नॉट अ होमवर्क नहीं है कि बाकी चार पेरेंट्स के को थेरेपिस्ट ने अगर होम प्लान दिया है तो हमें भी होम प्लान लेना है। अगर आपके थेरेपिस्ट को लगता है कि हाँ इस बच्चे को जरूरत है तो आप उसको जरूर अप्लाई करें, पर अगर दिया है तो जरूर अप्लाई करें, सिर्फ पेपर लेके नहीं जाता है। राइट, क्यों दिया जाता है? सबसे पहले कि ताकि पेरेंट्स सबसे पहले खुद समझे आप थेरेपी ले रहे हो, प्रोफेशनल है, थेरेपिस्ट है, बट आपको अपने बच्चे को संभालना है, समझना है, संभालना बाद में पहले समझना है। सो यू हैव टू वर्क विद योर किड। ठीक है, सेंसरी इश्यूज बहुत कॉमन वर्ड सुना भी है क्योंकि आप लोग फेस भी करते हैं, उससे फिर सेंसरी इश्यूज नहीं बेहतर होते, धीरे धीरे बिहेवियर इश्यूज साथ में मोटर इश्यूज भी डेवलप होते चले जाते हैं। सो सेंसरी ऐसा नहीं है कि आपने 45 मिनट का थेरेपी सेशन ले लिया एंड दैट इज एनफ फॉर रेस्ट ऑफ द 24 आवर। 45 मिनट के लिए आप यहाँ पर हो, 23 आवर के लिए आप बच्चे के साथ हो। बच्चे की सेंसरी नीड हर 1 से 2 घंटे में फुलफिल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस। ठीक है, 1 से 2 घंटे में, बट इट डजंट मीन हर 2 घंटे बाद आपको सेंसरी ब्रश लेके बैठ जाना है, हर 2 घंटे बाद आपको जॉइंट कंप्रेशन देना है। बच्चा भी इरिटेट होगा, आप भी इरिटेट होगा, वो पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, बट यू कैन डू अगर आप प्रोफेशनल से, क्योंकि सारे बच्चों पर अप्लाई नहीं होता, प्रोफेशनल से पूछ के उसका तीन पैटर्न कर सकते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। ठीक है, या अगर वो 4 बार आपको अगर सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या 2 बार सजेस्ट कर रहे हैं, तो यू कैन गो अकॉर्डिंग टू दैट। मील्स का टाइम फिक्स रखें बच्चों का, वो सिचुएशन अलग है, बच्चा इज नॉट वेल, ठीक है, तो वो सिचुएशन अलग है, लेकिन उसका मील टाइम बच्चे का फिक्स रखना जरूरी है। वॉक पे लेकर जाए, ये कुछ हैबिट्स हैं, जैसे आप उसको उस वो ही सिर्फ हैबिट्स हैं जिसमें आप बच्चे के साथ एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप कर रहे हैं। घर का एनवायरनमेंट बच्चे का आपका बच्चे के लिए सेंसरी फ्रेंडली होना चाहिए, ओवरलोड नहीं होना चाहिए और अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ब्राइट कलर्स, ब्राइट लाइट्स, दिवाली वाली जो लाइट्स होती है ना, टिम टिम वाला काइंड ऑफ, ठीक है, कर्टन ब्राइट्स, स्पेस कम है उसमें, सामान पूरा इतना सारा फर्नीचर, बच्चे को एक्सप्लोर करने का, फ्लोर पे रहने का टाइम कहाँ मिलेगा। ठीक है, बच्चे को फ्लोर पे जरूर रखें। एक थेरेपी अभी रिसेंटली तो नहीं, लेकिन एक फ्लोर टाइम थेरेपी ही अपने आप में एक डेवलप हुई है। ठीक है, और उसका मेन पहले क्या था, स्पेस बहुत होते थे घर के, ठीक है, तो बच्चे फ्लोर पे एक्सप्लोर भी करते थे। अभी रूम स्पेस भी कम है, फर्नीचर इतना होता है कि बच्चे को स्पेस ही नहीं मिलता फ्लोर पे रहने के लिए। जितना बच्चा फ्लोर पे रहेगा मसल्स उतनी डेवलप होंगी, ये जो मसल टोन इश्यूज होते हैं, इस तरह की चीजें, अगर बच्चा फ्लोर पे रहेगा जितना, उन इस तरह की इश्यूज हमें उन बच्चों में कम देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू जो बेड में, गोदी में, इसी में ही उन्होंने मोस्टली अपनी शुरुआत के 3-4 साल निकाल दिए। ठीक है, तो सेंसरी वाइज अगर हम बात करें तो कामिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, बच्चे का पहले देख ले, अगर अंडर रिस्पॉन्सिव बच्चा है, यस, वहां पे आपको बहुत ट्रैम्पोलिन जैसी, एक ट्रैम्पोलिन आपने रख दिया बच्चे का जो रिस्पॉन्स है बहुत लो है, ट्रैम्पोलिन क्या है, एक उसको एनर्जेटिक स्टिमुलस देता है। ठीक है, उसका क्या, उसको क्या करते हैं, एनर्जाइज करता है। अब वहीं पर अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है और उसको हम ट्रैम्पोलिन दे रहे हैं विदाउट एनी गाइडेंस या थेरेपी बॉल पे हम उसको बाउंसिंग करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो तो बच्चे को और ओवरलोड कर देगा। सो दोनों ही सिचुएशन में हमें प्रोफेशनल हेल्प के अकॉर्डिंग जाना है और वो चीज़ हमें घर पर प्रोवाइड करनी है, ये जरूर ध्यान देना है।
नॉइज बहुत है, बच्चा ऑडिटरी सीकर है या ऑडिटरी अवॉइडर है और किचन में मदर कुछ ग्राइंड कर रही है, वो आवाज उसको बहुत इरिटेट कर रही है, कोई बहुत फुल वॉल्यूम है या जितना ज्यादा वॉल्यूम है टीवी ऑन करके देख रहा है, बच्चा नहीं कंसंट्रेट कर पाएगा। ठीक है, बच्चे का पार्क टाइम इतना है नहीं, फिजिकल प्ले इतना है नहीं, हैंड राइटिंग इश्यूज आ रहे हैं बच्चे में, रीजन मसल्स जो हमारे फाइन मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप ही नहीं हो पाए हैं प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि उसने उतना उन मसल्स को यूज ही नहीं किया। बच्चे को रिलैक्सेशन अगर देना है, रिलैक्स करना है, तो आप काम म्यूजिक यूज कर सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब पे लिंक होते हैं जिसमें नेचर साउंड हम भाई जनरल बोल देते हैं जनरल, ठीक है, अदरवाइज बहुत स्पेसिफिक साउंड्स होते हैं, बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा नेचर साउंड आप लगा सकते हो, कोई आप रिलीजियस लगा सकते हो, लेकिन लो साउंड पे। जब भी बच्चों को आप कोई ऑप्शंस दो तो कोशिश करो कोई भी अगर बच्चे को आप कि आप डिसाइड करो, ठीक है, तो डिसाइड करने के लिए ऑप्शंस हो, ऑप्शंस भी इतने नहीं देने, फॉर एन एग्जाम्पल आपको चाहिए कि बच्चा रेड कलर का बीड उठाए पिक करे, आप कोई एक्टिविटी करा रहे हैं रेड कलर पिक करवाना है, तो आप उस बच्चे को दो या तीन ऑप्शन और दे दो, दो या तीन मैक्सिमम, ठीक है, ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो, ठीक है, और उसके पास ऑप्शन भी हो। सेम आप फूड अगर बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो यू कैन गिव चॉइस, आप उसे कहीं बाहर लेकर जा रहे हो घूमने के लिए तो आप पिक्चर शो कर सकते हो व्हाट यू वांट, यहाँ पार्क जाना है मॉल जाना है, ठीक है, ये चॉइस मत देना कि मोबाइल चाहिए और टीवी चाहिए। रिवॉर्ड्स देना है, रिवॉर्ड्स में एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, हम पेरेंट्स को बहुत बोलते हैं कि जब कोई बच्चा कुछ अच्छा करे तो उसे रिवॉर्ड जरूर देना है, रिवॉर्ड एक क्लैपिंग भी हो सकता है उसकी, उसको शाबाशी किसी भी फॉर्म में देना हो सकता है, कुछ नए दे दिया कुछ दे दिया, बट ये ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर चीज पे बच्चा डिपेंड ना हो जाए। हम वैसे तो स्वीट्स मना ही करते हैं, चॉकलेट और टॉफी मना ही करते हैं, बट अगर आप आज दे रहे हो अगले दिन फिर दे रहे हो फिर कोई टॉय दे रहे हो, एक हफ्ते बाद 15 दिन बाद बच्चा उसी चीज की उम्मीद करेगा आपसे, आज तुम लेकर आए, उसके सामने आपकी क्लैपिंग की कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। सो रिवॉर्ड को मेंटेन करके चल रहा है, फिर ये होगा कि मैम हम हर महीने टॉयज लेकर आ रहे हैं, ये तो बहुत जल्दी बोर हो जाता है, ठीक है, और ये वैसे जनरली सारे बच्चे करते हैं, ये बच्चे का नेचर होता है कि टॉयज आए यूज किया बोर हो गए कुछ नया चाहिए, ठीक है, बट आपको उसे तो इतनी समझ नहीं है, आपको सेट करना है आप वो टॉय से बोर हो गया, ठीक है, आप कलर पेंसिल ले दो, अगर वो इस लेवल पर है उसके फाइन मोटर्स की कितने कलरिंग करो, नहीं है किचन में लेके जाओ, कुछ होम एक्टिविटीज में उसको होम एक्टिविटीज में जितना इंक्लूड करोगे बच्चे के अंदर मैनेजमेंट वाला पार्ट जल्दी और आएगा, ठीक है, एंड दे विल फील कि मैं भी वैल्यूएबल हूँ, आई कैन डू समथिंग, ठीक है। तो इसलिए जैसे हम ग्रुप एक्टिविटी में क्या करते हैं कि हम बच्चे को भी टास्क देते हैं कि नाउ मामा स्टन, वाओ मामा ने कर दिया क्लैपिंग करने, नाउ फादर स्टन, अब प्रियांश की टर्न है, कॉमन ऐसे नाम ली प्रियांश की टर्न है, जब प्रियांश ने किया वाओ प्रियांश की टर्न गुड जॉब, ठीक है, सो उसे भी इंकरेजमेंट आता है, उसको भी फील होगा कि आओ कि आई एम वैल्यूएबल और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सो होम मॉडिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो आपको बच्चे के साथ अप्लाई करना है और उन सब में सबसे पहले पेरेंट्स को एक्सेप्टेंस लेकर आना है अपने अंदर, ठीक है, जितनी जल्दी एक्सेप्टेंस होगा उतनी जल्दी हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। मदर्स के लिए बच्चा बड़ा हो रहा है, फिजिकल इश्यू भी, लो बैक पेन हो रहा है बच्चे को मदर के साथ, सर्वाइकल इश्यूज हो रहा है, स्लीप पैटर्न प्रॉपर नहीं जा रहा है, नींद प्रॉब्लम बच्चे की डिस्टर्ब नींद है, तो पेरेंट्स भी हो रहे हैं, मदर में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल रिसेंटली मदर्स की बहुत इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। सो और कहीं ना कहीं उनका इमोशनली डिस्टर्ब बहुत जल्दी हो जाती है, सो यू हैव टू मेक स्ट्रॉन्ग योरसेल्फ, सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, बट गूगल से और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने से बचे, ठीक है, एज सर ने ऑलरेडी बोल दिया और बिल्कुल ठीक है, अगर अभी आप टाइप करके देखें गूगल पे कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, सारे लक्षण अपने आप में लगेंगे, हाँ ये भी है मेरे में, ये भी है
कर लो खुद को डिप्रेशन का वो कर लो स्टार्ट कर दो, तो ऐसा नहीं है। और आपके अंदर इतनी सेल्फ विल होती है, सिचुएशन अप एंड डाउन होती है, ठीक है, इतना आपके अंदर विल होती है कि आप उससे उभर के आ पाओ। सो लुक फॉरवर्ड एंड थिंक पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू। नहीं टूट गया है, लाइफ खत्म नहीं हो गई है,
आप लोगों को क्या करना है, उससे आपको कैसे चीजों सॉल्यूशन ढूंढना है, आपको इसलिए आप कैसे डील कर पाते हैं इन चीजों को। देखिए मेरे लिए कहना आसान है, मैं यार 40-45 मिनट 10-20 मिनट में आपको ज्ञान दे दूं, ये बड़ी आसान सी चीज है मेरे लिए। हर चीज के दो बेस होते हैं, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल बेस ये है कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल बेस ये है कि आप घर पे जाकर उस चीज को कितना अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। कहने के लिए मैंने बोला आप घबराइए मत, एज अ थेरेपिस्ट मैं आपके साथ हूँ, ये है थ्योरेटिकल बेस। प्रैक्टिकल बेस ये है कि मैं आपके बच्चे के साथ कितना काम कर पा रहा हूँ, आपको कितना घर पे करने के लिए दे पा रहा हूँ और प्रैक्टिकली आप उसको कितना कर पा रहे हैं घर पे। तो ये तीन चार पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। पहला पॉइंट इसमें कि आपका फिजिकली फिट होना जरूरी है। जब तक आप फिजिकली फिट नहीं होंगे आप अपने बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप जिस पेरेंट ने भी बच्चे को वर्क ऑन हैंड्स कराया है आप करा के देखिए, 10 मिनट कराइए आपको बैक पेन हो जाएगा। आप चले थे बच्चे को ठीक करने, आप ही के लिए प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, आपको लगेगा यार क्या प्रोग्राम दे दिया। तो आपको जरूरी है कि फिजिकली आप खुद को फिट करें। मुझे लगता है कि स्क्रीन पे आपको 4 पॉइंट फिजिकली दिख रहे हैं, आप 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, फिजिकली सोशली इकोनॉमिकली ये सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। आपको फिजिकली सबसे पहले अपने आप को फिट करना है। फिजिकली फिट अपने आप को नहीं रखेंगे तो आप अपने बच्चे के साथ किसी भी कीमत पर काम नहीं कर पाएंगे। फिर वही चीज़ हो जाएगी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बेस वाली। थ्योरेटिकली कि हाँ हम थेरेपी के लिए जा रहे हैं बट आप उसको घर पे कितना कर पा रहे हैं, बच्चे के साथ जॉब को वैल्यू किया जा रहा है कितना कर पा रहे हैं। पॉइंट पॉइंट वाइज आप देखिए, जब आपके बच्चे का ऑटिज्म डायग्नोज होता है तो आपको इस बीच ना आपको इमोशनली भी बहुत कहीं ना कहीं आपके लिए परेशान करने वाली चीज़ होती है। पेरेंट्स को बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं ठीक हो जाएगा घबराओ मत। वही दूसरी आंटी बाजार में मिलती है वो आपको बोल देती है अरे नहीं नहीं हमारे पड़ोसी के बच्चे को भी ऐसे था वो तो ठीक ही नहीं हुआ बेचारा। आपको एक से मोटिवेशन मिला और दूसरे से आप सडनली क्या हुआ आप जमीन पे आ गए, आप आसमान में जाने लगे थे आप जमीन पे आ गए। तो प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ये होती है, कोई आपके बच्चे को मेंटली डिसेबल्ड वर्ड यूज करता है, कोई बोलता है अरे नहीं नहीं ठीक हो जाएगा ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए बड़ी परेशानी वाली चीज़ है। तो आपने आपको इमोशनली स्ट्रांग रखना है अपने आपको। देखो जी लोगों का काम तो है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे वो लोगों का काम है। और हमारे ना जहाँ जिस सोसाइटी में जहाँ हम लोग रहते हैं और हमारे भारत में वैसे भी ज्ञान चंद की कमी हो रही है, बहुत अच्छा अच्छा लोग ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। आप देखिए यूट्यूब खोल के देखिए, आपको मैंने 7 साल पढ़ाई की है, मैंने बैचलर किया मास्टर्स किया PhD ये हम सब इसमें इतना करने के बाद आप यूट्यूब सर्च करिए आपको मिल जाएगा फ्री ऑक्यूपेशनल थेरेपी कैसे करें, आप समझ रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता है, फ्री ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपको मिल जरूर सकती है बट आपको अगला स्टेप क्या है, आपने कमांड फॉलो करना सिखा दिया अपने बच्चे को, अगला स्टेप क्या है, ठीक ये तो अलग चीज़ हुई बट इमोशनली आप अपने आप को बिल्कुल एकदम मजबूत बना के रखिए। लोगों का काम तो कहना है यार आप करो अपने लेवल पे जो कर रहे हो ना, देखिए बीइंग अ पेरेंट आप जो कर सकते हो वो कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो आप आ रहे हो थेरेपी के लिए और मेहनत कर रहे हो। फिजिकल वाला पार्ट हमेशा मजबूत रखना है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, सुबह से मॉर्निंग वॉक शुरू। मुझे उम्मीद है अगर मैं सबसे बोलूँगा तो 2-3 लोग हाथ उठाएंगे, कौन कौन जाता है, सब ने जाना है, सब लोग मॉर्निंग वॉक करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, खुद के लिए एक्सरसाइज करिए, जरूरी है आप लोगों के लिए फिट रहना जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज आपका जो इमोशनल वाला पार्ट है कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करिए। लोग तो कहते हैं यार आप बाहर जाओ, लोग कहेंगे कुछ आपके सपोर्ट में बोलेंगे कुछ आपके अगेंस्ट बोलेंगे, चलने दीजिए वो सब चलता रहेगा बट जो आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं वो कर सकते हैं। मेन चीज आती है फाइनेंस वाला पार्ट। कई केसेस में ये गलतियाँ होती हैं, पेरेंट्स हमेशा ये करते हैं कि शुरुआत में ना बहुत जल्दी जल्दी से, मैं हमेशा मेरे सारे पेरेंट्स को न्यूली डायग्नोज पेरेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप असेसमेंट के लिए आइए मैं बोलता हूँ आप कहाँ से आते हैं। पेरेंट्स ने बोला कि गाजियाबाद से आता है, बोला ठीक है थेरेपी शुरू करना है और थेरेपी शुरू कर देते हैं आप मुझे बता दीजिए कब से थेरेपी शुरू करना है। पेरेंट नहीं सर सेशन अभी हो सकता है, सर कल से आ जाते हैं। मैंने बोला नहीं अभी तो नहीं हो सकता, सर हम कल से आ जाते हैं। बोला आप गाजियाबाद से आते हैं, यहाँ से 30 किलोमीटर गाजियाबाद होता है, आपका डेली आना जाना एक दिन का काम नहीं है, आपका कन्वेंस में भी इतना खर्चा होगा, मैं गाजियाबाद से डाउन करता हूँ मुझे पता है यार कितना सारा खर्चा होता है आने जाने में। तो पेरेंट्स को इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इतना सारा खर्चा आपका हो रहा है आप पहले सोचिए बैठिए। वो सडनली एकदम से बोलते हैं नहीं नहीं जी हो जाएगा हम कर लेंगे। फिर क्या करते हैं 2-3 दिन बाद बोलते हैं सर क्या हम 3 दिन आ सकते हैं हफ्ते में, क्या हुआ आपने थोड़ा सोचा टाइम लिया आपको पता चला आपने सोचा कि आप जाएंगे 1000 रुपये आपका डेली कन्वेंस में खर्च होगा आपका, आप अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी आप ले रहे हैं 1-1.5 हज़ार रुपये आपका उसमें चला गया। और बहुत सारे लोगों की इतनी इनकम भी नहीं होती है जितना यहाँ पे करना पड़ता है आप समझिए। और आप गवर्नमेंट सेटअप में आप जाइए वहाँ ये सुविधाएं आपको मिलेंगी जरूर बट ऑन पेपर, ठीक है। तो आपको क्या करना है ये वाला जो पार्ट है ना आपका, आपको कहीं ना कहीं इसको भी बैलेंस करके चलना है। पेरेंट डायग्नोज हुए आप एकदम से बोले नहीं हम आ जाएंगे फिर 3 दिन, फिर हफ्ते में एक बार चलेगा क्या, ठीक है आ जाएंगे हफ्ते में एक बार आ जाएगी
फिर मैं बोलता हूँ कि मैंने आपको डे वन पे बोला था कि आप मत आइए, आप गाजियाबाद से डेली अप डाउन नहीं कर सकते, आपको क्या करना है, आपके नियर बाय कोई थेरेपिस्ट ढूंढिए, वहाँ जाइए, आपका जितना कन्वेंस में खर्च हो रहा है उतना अपने बच्चे की थेरेपिस पे खर्च करिए, आप इतनी दूर आने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो और कुछ लोग क्या करते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, मेरा पहला सवाल होता है कि बच्चे को कितना टाइम दिया है, स्क्रीन टाइम कितना है आपका बच्चे का, तो पेरेंट बोलते हैं सर बच्चे तो मेड के पास रहता है और मैं तो 8-9 बजे आती हूँ, तब तक ये सो चुका होता है, पापा तो 11 बजे फ्री होते हैं, पापा घर से जरूर होते हैं बट वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, तो बच्चे को टाइम नहीं दिया। मैं बोलता हूँ कि टाइम देना आपको चला गया, कोई वक्त नहीं, तो उन्होंने बोला कि पेरेंट्स ने बोला कि तो नहीं जी, मैंने बोला कि आपको टाइम देना जरूरी है बच्चे को अपने, तो पेरेंट सडनली मम्मा सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज करती है, हर जगह मम्मा सेक्रीफाइस करने की कोशिश करती है, सभी की मम्मा करती है, बोलते हैं सर मैं जॉब छोड़ देती हूँ, सबसे पहले मम्मा ये बोलती है, क्योंकि वैसे भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा मैं सोच रहा हूँ हस्बैंड की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनेंस वाला पार्ट कहीं ना कहीं, बट मदर सबसे पहले बोलती है ठीक है मैं जॉब छोड़ देती हूँ, बट आपको एकदम से ये डिसीजन नहीं लेना है कि जॉब छोड़ के घर पर बैठ जाओ, अपने बच्चे की थेरेपीज आप कैसे कराओगे, ये आपके लिए जरूरी है कि आप फाइनेंस वाला पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग रखें हमेशा, और फाइनेंस वाला पार्ट अगर आपका बिगड़ता है तो सारी चीजें बिगड़ जाती हैं, आप समझ रहे हैं इस चीज को, आपके घर की जो सारी चीजें हैं वो खराब हो जाती है, आपके जो आपका आप दोनों का पर्सनल रिलेशन होता है हस्बैंड वाइफ का वहाँ भी गड़बड़ होती है, क्योंकि दोनों के दोनों कहीं ना कहीं सोच तो बच्चे के बारे में रहे होते हैं, बट फादर को ऐसे लगता है कि यार अभी तक हमारी 1 लाख इनकम की 1 लाख 50,000 वाइफ की तरफ से आ रहे थे, तो वो जॉब छूट गई तो वो खत्म हो गया, और ये 50,000 में एक तो इनकम कम हुई, इनकम कम होने के बाद मैं कैसे थेरेपीज भी बच्चे की कराऊं, तो फिर आप कहाँ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, फिर आप ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं होता कभी भी, एक बार जो लाइफ स्टाइल आपका सेट हो गया आप उससे कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये आती है कि आप कहीं ना कहीं फिर ये सोच रहे होते हैं कि चलो ठीक है यार मैं ऐसे कर लेता हूँ, और आप शांत रहना शुरू कर देते हैं, तो आप क्या जाते हैं जैसा मैंने यूज़ किया, फिर आप डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, फिर आप गूगल सर्च करते हैं, अच्छा ये सिम्टम्स भी मेरे में, ये सिम्टम्स भी मेरे में, फिर आप सेल्फ डायग्नोज करके आप खुद को डिप्रेसिव पेशेंट बना लेते हैं, आपको लगता है कि मुझे डिप्रेशन हो गया, तो सबसे जरूरी है आपके लिए ये वाला आप इकोनॉमिक वाला पार्ट अपना जो ये स्ट्रॉन्ग रखिए, फाइनेंस वाला पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, अगर इस पार्ट से गड़बड़ होती है तो सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। इसके बाद हमारा आता है सोशल वाला पार्ट, सोशल में क्या होता है देखिए, हम लोग जब बच्चा डायग्नोज होता है ना हम क्या करते हैं सबसे शुरू में, सबसे पहले जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है ना उससे बचना शुरू कर देते हैं, कि यानी पूछेगा कि तेरा बच्चा 4 साल का हो गया बोलता नहीं है अभी तक, तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि यार मैं क्या जवाब दूंगा, तो वो अपने बच्चे को लेके आते हैं से अंकल को हाई कर दो, अंकल को बाय कर दो, अंकल से बोलो अंकल को बताओ अपने गिर वाली राइम सुना दो अंकल को, फिर क्या होता है फिर नौमान फादर को फील होता है कि यार मेरा बच्चा नहीं बोलता है, तो ये चीज़ें खराब लगती हैं। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का अलग अलग तरीके होते हैं, कई बार जो आपके वेलविशर होते हैं वही सबसे दुश्मन होते हैं, तो वही आपको ज़्यादा तकलीफ पहुँचा रहे होते हैं, ऐसा सोचकर पेरेंट्स क्या करते हैं कोई भी इंसान बचना शुरू कर देता है, उसके पास जन्म बड़ी खराब बातें करता है, फिर आप दोनों फिर हस्बैंड वाइफ दोनों आपस में रहना शुरू कर देते हैं, दोनों ही बातचीत कर रहे होते हैं उसी में लगे रहते हैं पूरे टाइम, तो इस तरह से क्या होता है आपको पता भी नहीं होता आपका सोशल लाइफ कट जाता है, कभी आपका मन होता है आप फील करते हैं अगर आपके सिद्धांत ने आज अच्छा काम किया, सिद्धांत के फादर को लिया, सिद्धांत फादर खुश है, सर ने बोल दिया सिद्धांत ने बड़ा अच्छा काम किया, क्या किया इन्होंने कि आज खुश है घर बड़ा खुश है, फिर जाके फ्रेंड को फोन लगाया कुछ क्लोज फ्रेंड का, जिससे क्या हुआ सिद्धांत के डायग्नोज के बाद से 3 साल से कोई बात नहीं की है, बट आज उससे अपनी खुशी में कॉल किया, आज उसने फोन रिसीव नहीं किया आपका, तो आपका सोशल बॉयकॉट हो गया नहीं हो गया, तो आपको क्या कह रहा है सोशली आपको कट ऑफ नहीं होना है, लोगों से मिलते जुलते रहना है, और यार देखो आप जो लोगों से मिलोगे ना लोगों के बीच में जाओगे तो 10 लोगों में 9 लोग खराब बात बोलेंगे ना, एक भी ऐसी ज्ञान की बात बोल देगा जो आपको सर्वाइव करने के लिए काफ़ी हो जाएगी, ठीक है। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए, बच्चों के रिलेटेड मैं बहुत सारी बातें करता हूँ, वैसे इतनी सारी बातें करने का लेकिन टाइम नहीं होता है आमतौर पे, इसीलिए ये है कि अभी आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं आपके आप कोशिश करिए कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा आप पूछ सकें, और रही प्रोग्रेस की बात देखिए बहुत लंबी कहानी है, ये सब चीज़ें ना जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये आपकी कहानी को अगर आप इसमें से एक भी पार्ट में अप्लाई करते हैं तो आपका क्या होता है कि आपका ओवरऑल चीज़ें खराब करते हैं, ठीक है, आपका पर्सनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपके बच्चे की खुद की लाइफ, बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। ये 3-4 पॉइंट है, इनको प्लीज़ ध्यान में रखिए और कल से इन पर काम शुरू करिए यार, बच्चों के साथ तो हम काम कर ही रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक लास्ट पॉइंट ये है कि देखिए जहाँ तक आप लोगों का कई बार पेरेंट्स का इस तरह का होता है, आपको अपने थेरेपिस्ट को ना थेरेपिस्ट जब हम कॉलेज से निकल के आते हैं डॉक्टर डेजिग्नेशन होती है, डॉक्टर से पेरेंट्स हमें टीचर बना देते हैं,
और टीचर से बच्चों के फ्रेंड्स बन जाते हैं और ये हमें भी पता नहीं चलता। हम कुर्सी टेबल छोड़ के अगर जमीन पे आ जाते हैं ना बच्चे के लिए, ये हमें भी पता नहीं चलता है। और कि हम क्या करते हैं बच्चे के साथ ना, हर बच्चे के साथ हम इमोशनल बॉन्ड बना के दोस्ती नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इमोशनल बॉन्ड बच्चे के साथ डेवलप करूंगा तो मैं कभी भी ना उसको वेट ऑन हैंड्स नहीं करा पाऊंगा, उसको वॉक नहीं कर पाऊंगा, वो चिल्ला रहा है, वो रो रहा है, मैं उसको ये सब करा ही नहीं पाऊंगा जो आप लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम नहीं, नेचुरल है बच्चे के लिए, तो नेचुरल है ना। कोई भी पेरेंट्स का लड़ दिया तो बच्चे के लिए नेचुरल है। आप लोग बच्चे का वो रो रहा है आपने छोड़, सर ये रो रहा है नहीं कर रहा है, तो आपने क्या करना है उस फ्रस्ट्रेशन को कभी भी, उस फ्रस्ट्रेशन को कभी भी थेरेपिस्ट के साथ कभी भी नहीं निकालना है। उस फ्रस्ट्रेशन को आपने क्या करना है, अपने पॉइंट्स रखिए जरूर, बात करिए जरूर, बट बात कब करिए जब आप बहुत ईमानदारी के साथ बच्चे के साथ काम कर रहे हैं। आपको बच्चे के साथ काम करना जरूरी है। आपके बच्चे के साथ अपने अपने थेरेपिस्ट के साथ फ्रेंडशिप डेवलप करिए, बनाइए। देखिए ठीक है, ऑन पेपर जो चीजें होती है ये चीजें ऑफ रिकॉर्ड में बोलूंगा यार, फ्रेंडशिप बनाओ ना, बट पेरेंट्स थेरेपिस्ट के साथ अपनी फ्रेंडशिप जब तक आप डेवलप नहीं करोगे ना, आपको चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। आप लोगों की आपको पता कैसे चलेगा कि हमें क्या करना है, क्योंकि फ्रेंडशिप इसलिए नहीं कि मैंने रात को कॉल किया और बताइए रमान फजर आप क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप डाल दीजिए, व्हाट्सएप डाल दीजिए, आज नहीं चार दिन बाद रिप्लाई मिलेगा, मिलेगा जरूर। और यही एक थेरेपिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, मैं खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा समझता हूँ। पेरेंट्स को हमेशा शिकायत, सर आपको कब मैसेज गलत रिप्लाई नहीं आया, चार दिन बाद आया था, आया था ना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। मेहनत से काम करने के लिए तभी आपने बच्चे के साथ कर पाएंगे मेहनत से काम, जब खुद को फिट करेंगे। और हर कोई बोलता ही है ना आपको, सारे डॉक्टर्स ही बोलते हैं ऐसे, मेरा भी ज्ञान समझ लीजिए, बट कल से शुरू करिए, ठीक है। आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन बताइए, उम्मीद है कि आप शांत से। थैंक यू।